बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आदम व्लॉग। मेरा नाम शहजादा है, मेरे चैनल का नाम एक्सप्लोर विशेष है और आज एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में हाजिर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत और नया मछली यानी ट्रोट फिश के आपको दिखाऊँगा। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये फिश फार्म है और यहाँ ये लोग मतलब फिश पालते हैं इधर के लोग, और उनको बेच के लाखों कमाते हैं। ये है फिश फार्म, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फिश फार्म है और बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आपको हर साइज में मछलियाँ मिलेंगे, छोटे बड़े मीडियम। ये जो नीचे मछली देखते हैं ये बहुत बड़ी है, और ये ट्रोट फिश है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मछली है। तो यहाँ हमारे अंकल है, ये जो है ये इधर 6 साल से काम कर रहे हैं। इससे पूछे यहाँ फायदा है कि नुकसान है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो बहुत फायदा है। जब तक 5 रुपए का 6 रुपए का एक दाना मछली बाहर से लोग लाते हैं इधर लाकर, बाद में वो एक मछली 400 साढ़े 400 का बिक जाती है। तो इधर अभी जो बच्चे हम खुद निकालते हैं उसमें कोई भी पैसे नहीं जाते, फ्री में जो है वो अपने जो बड़ा फायदे ना काबे देखो हिस्ट्री बनाए है इधर, जो अपने अंडे से बच्चे निकालते हैं। तो बहुत बहुत फायदा है इस पानी से, लोगों ने जितना जितना फायदे लिया है। बस इधर जो दिन में बस कोई सेल हो गया तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी लेते हैं। अगर सेल नहीं होगी तो 5 लाख 3 लाख 60 हज़ार 70 हज़ार ये तो दिन की चलती है, दिन के आप इतने कमा लेते हैं? हाँ कमा लेते हैं। अगर जो लोग बेरोजगार हैं उनके आपका क्या मशवरा है? बेरोजगार लोगों के लिए तो अच्छा काम ये है। अच्छा है काम? हाँ ये बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा है, पानी से फायदा लेते हैं लोग, पानी से कुछ पैदा कर लेते हैं। अभी पानी से अल्लाह पाक हमें फायदे देते हैं। ये बनाने के लिए आसान है कि मुश्किल है? ये बनाने के लिए कोई अगर कि पैसे ज्यादा है तो अच्छा खूबसूरत तरीका से बनाए तो ठीक होता है, नहीं सादा इस तरह सादा बनाए तो कोई पैसे नहीं जाते हैं। ऐसा ऐसा थोड़ा टिंकिया बनाओ बीच में मछली डालो बस होते है, इसमें कोई बड़ा इतना पैसे नहीं लग जाते। अपना जमीन हो तो फिर भी अच्छा है, नहीं खरीद के जमीन लेके अगर इसमें डाला तो फिर भी नुकसान है, बड़ा फायदा। तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि फ़िश फार्म बनाना बहुत आसान है, नहीं तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए फ़िश फार्म बनाने का। और जो लोग बेरोज़गार हैं वो तो लाजमी है उनको करना, तो शुक्रिया। और इनको पालने के लिए सबसे पहले पहले इनको इस तरह के मतलब इस टाइप की दीवार का इस तरह बनाते मतलब तालाब जैसा बनाते हैं, फिर इसके बाद चश्मे का साफ पानी जरवास होता है, उसके बाद इनको फीडिंग करते हैं यानी मतलब वो इनको फीड डालते हैं और पालते हैं, और फिर ये अंडे डालते हैं फिर बेचते हैं, इस तरह का सिस्टम है। ये बड़े बड़े मछलियाँ ये अंडे डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, और ये मछलियाँ अंडे डालते हैं और वो दे सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ हैं। और इनको इस तरह पाया जाता है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज की मछलियाँ हैं, बहुत ही छोटे, ये आप देख सकते हैं ये अभी पैदा हुए हैं, अंडे से निकले हुए बच्चे हैं और बाद में ये बड़े होते हैं, इनको बेच के लाखों कमाते हैं। तो ये चश्मे का पानी है, और ये छोटे बच्चे होते हैं इस तरह पाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये अगर पानी में गंदा कुछ आया तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इधर लगाए जाते हैं।
माशाल्लाह बहुत खूब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत खूब नज़ारा है, इधर मछलियाँ भी है और हवा भी चल रहा है, बहुत खूब नज़ारा है माशाल्लाह। बहुत ही खूब। तो दोस्तों अगर आपको भी फिश फार्म, अगर फिश फार्म खोलने का तो आप वो है, आप भी फिश फार्म खोलना चाहते हैं तो ये बिजनेस ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ बहुत ही बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मुनाफा है, क्योंकि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इधर ये लोग इस असीन को पालते हैं, बड़े करते हैं और ये इनके अंडे हैं, ये मछलियों के अंडे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और इधर आप देखते हैं वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और यहाँ ये लोग इनको पालते हैं। जी, ये जो हमने इस साल 2-3 साल हो गया, हमने खुद अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से यहाँ से फायदा हमने खुद लिया, अपने पानी से अपने हिजरे बना के ये ट्रे बनाया, इसमें अंडे डाला, अच्छा इधर खुद निकाला, एक पैसे भी हमारे बाहर से नहीं, अपने हाथ से अल्लाह ने दिया, इधर पैसे बनाया हमने। तो नाज़रीन जैसे कि आपने देखा तो इधर बहुत आसान है ये काम, और इधर इन लोग इसे पालते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, और बाकी आप लोगों ने खुद देखा। और ये चश्मे का साफ पानी है जो मछलियों को इधर पालते हैं, पूरा साफ ही है चश्मे का पानी। तो दोस्तों ये है मछली पकड़ने वाली मशीन, और ये है इसका स्पिनर आप दे सकते हैं, और इससे ही हम ट्रोट फिश इधर इसमें फंसते हैं, तो अभी हम पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप दे सकते हैं मछली फंस गई है, हर
तो दोस्तों इधर हमारा वीडियो क्लोज हो चुका है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग के साथ, और मुझे अपने दुआ में भी याद रखें। शुक्रिया, बाय।